आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन #, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन #, मतदाता जंक्शन। आओ हम सब मिलकर नए भारत का निर्माण करें, लोकतंत्र मजबूत बनाएं, देश का हम सम्मान करें, आपस का मतभेद भुलाकर सब मिलकर मतदान करें, मतदान करें, मतदान करें। दोस्तों नमस्कार, हम अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन आपसे एक अपील करने आए, इल्तिजा करने आए। आप अपने मत अधिकार का मतदान कर उपयोग सही ढंग से करें, क्योंकि ये आपका हमारा अधिकार भी है और देश की अपनी एक ताकत बनने के लिए एक बहुत बड़ा काम भी है। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने सुना पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन को। अपने वादे के मुताबिक हम फिर हाजिर हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 में एक और टॉपिक लेकर। इस बार हम बात करेंगे विजिलेंट वोटर्स यानी सजग मतदाता की। कैसे सजग सतर्क मतदाता होकर चुनावों को साफ सुथरा रखने में मदद कर सकते हैं, और चुनावों के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो लोगों के बहकावे में आकर या उनसे डर कर मतदान ही ना करना अनुचित कहा जाता है। लोकतंत्र की नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है। ये पारदर्शिता के साथ निडर और बेझिझक होकर आम आदमी को मतदान में भाग लेने का समय है। जैसे जैसे नागरिक इसके बारे में अधिक जागरूक होंगे, वे उतना ही अधिक खुद को चुनाव का हिस्सा महसूस करेंगे और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बेहतर होगी। जागो मतदाता, सतर्क हो जाओ, विजिलेंट वोटर आज की पुकार है। दोस्तों आज हम सजग विजिलेंट वोटर की बात कर रहे हैं, तो चलिए ये भी बताएं कि हर वोटर सजग जागरूक कैसे बन सकता है। मैं गीता सेठी दिल्ली से, मैं वोट जरूर देती हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि हम सभी को अपनी आवाज सुनाने का अधिकार है और वोट हमें वो अधिकार देता है। मेरा नाम विशाल है, मेरी उम्र 20 साल है। मैं अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करता हूँ। एक वोट की कीमत को मैं जानता हूँ कि वोट से बदलाव किया जा सकता है और मैं बिना किसी के दबाव में आकर वोट जरूर देता हूँ। मेरा नाम पार्वती है, मेरा गांव हाथरस है। बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के मैं हमेशा से वोट डालती हूँ। घर में सबको बोलती हूँ वोट डालो। अरे भारत बदल रहा है और अच्छे के लिए बदल रहा है। जो काम कभी पहाड़ से लगते थे वो अब मोबाइल ऐप की मदद से कितने आसान हो गए, यकीन न होगा। हमारा सब्जी वाला भी UPI लेता है। अरे हरदीप, हमारी सोसाइटी में नया वॉचमैन आया है, उसने अभी से नोटिस दे रखी है कि इलेक्शन के समय उसे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए। क्यों, वोट देने जाना है? We are so proud of him. बिल्कुल भाई, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है, जब सकारात्मक सोच की हवा चलती है तो अपने आप लोग जुड़ते जाते हैं। वर्मा भाई तुम चुप क्यों हो? अरे कैसी बात कर रहे हो? चुप नहीं हूँ, सुन रहा हूँ और सहमत भी हूँ। भाई कुछ समय पहले ही मेरे बेटे ने मुझसे कहा, पापा I'll be 18 नेक्स्ट ईयर, मैं अपना नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं भी वोट दे पाऊंगा। भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड ही डिड इट ऑनलाइन। अरे वर्मा जी आसान जो हो गया है, मोबाइल ऐप पे कायदे से सारे सही स्टेप्स फॉलो करो और नामांकन फॉर्म भर दो। बिल्कुल, लास्ट मिनट तक वेट करने की जरूरत क्या है।
मैंने हाल ही में सी विजिल ऐप के बारे में सुना है, आप लोगों को कुछ पता है उसके बारे में? हाँ भाई, ये ऐप हमें इलेक्शन के दौरान विजिलेंट सतर्क रहने में मदद करता है। अच्छा, सुना तो मैंने भी है, सी विजिल सिटीजन मोबाइल ऐप है, ये पता है लेकिन डिटेल्स नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया यार। अरे भाई वर्मा जी, हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग। मुझे पता है, मैं बताता हूँ। देखिए, सी विजिल ऐप नागरिकों के लिए चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और गलत आचरण और अनुचित तौर तरीके अपनाए जाने की स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है। सी विजिल का मतलब सतर्क नागरिक है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो इसलिए आम नागरिकों की जिम्मेदार भूमिका पर जोर देता है। बिल्कुल, सी विजिल चुनावों के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। जी। अच्छा, ललित, आचार संहिता में क्या बताया गया है? आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट मतदान के कॉन्टेक्स्ट में किसी व्यक्ति, दल, पार्टी या संगठन के लिए निर्धारित सामाजिक व्यवहार, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आचार संहिता कहते हैं। जी वर्मा जी, चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद लागू हो जाती है आचार संहिता। आइए सुनते हैं भारत के निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल जी को। जैसे ही चुनाव आयोग इलेक्शंस अनाउंस करता है उसी समय से ये आचार संहिता शुरू हो जाती है, और जब ये चुनाव प्रक्रिया समाप्त होती है जो नॉर्मली नतीजे आने के अगले दिन होती है, तब तक ये आचार संहिता लागू रहती है। सरकार या सरकारी संस्थाएं या सरकार के द्वारा सपोर्टेड किसी भी रूप में वो संस्थाएं जिनको सरकारी ग्रांट्स मिल रही हैं, उन सबके ऊपर ये आचार संहिता लागू होती है। जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं वो और उनके नेताओं के ऊपर, क्योंकि आचार संहिता में कई चीज़ें ऐसी हैं कि कोई भी राजनीतिक दल या नेता एक दिए हुए जो कोड है उससे बाहर ना जाए। निर्दलीय उम्मीदवार या उनके जो पक्ष में कैंपेनिंग कर रहे हैं उन सभी के ऊपर ये आचार संहिता लागू होती है। चलो, अगर हमें ये पता चलता है कि चुनावों के दौरान कहीं अनुचित तरीके से वोट मांगा जा रहा है तो हम उसे रोकने की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते। भाई सी विजिल ऐप यही तो काम आएगा ना। हाँ। कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की घटना की फोटो या वीडियो बनाकर अपनी शिकायत इस ऐप के जरिए दर्ज करा सकता है। हाँ। और सी विजिल ऐप पे फोटो खींचते या वीडियो बनाते समय ऐप समय, घटना की एग्जैक्ट लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का अपने आप पता करके आपकी शिकायत दर्ज कर देगा। और शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम या कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं मिलेगी, आपका कहीं जिक्र नहीं होगा, यू विल रिमेन एनोनिमस। अरे भाई बताना भूल गया, हमारी कॉलोनी में विजिलेंस अवेयरनेस फॉर वोटर्स इन इलेक्शंस पर एक वर्कशॉप होने वाली है। आइए चलते हैं फिर। हाँ, गुड, वेरी गुड आइडिया। मैं अवनीश कुमार, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, आपको सी विजिल ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, निर्वाचन आयोग का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि मतदाता बढ़ चढ़कर चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही साथ हमारा यह भी प्रयास रहा है कि मतदाता पर किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाया जाए, और इसके लिए ही निर्वाचन आयोग द्वारा लोगों की सुविधा के लिए एक सी विजिल ऐप है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के दौरान आपको या फिर आपके क्षेत्र में डराता है, धमकाता है, पैसे बांटता है, हथियार दिखाता है, कोई अफवाह फैलाता है या फिर हेट स्पीच देता है, तो आप सी विजिल ऐप डाउनलोड करें, उस पर उस व्यक्ति की फ़ोटो या वीडियो अपलोड कर दें। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी किसी अवैध गतिविधियों के बारे में इलेक्शन कमीशन को सूचित करते हैं तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जानकारी को गुप्त रखा जाता है। इसके अलावा इस ऐप के करेंट लोकेशन ट्रैकिंग फीचर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार जल्द से जल्द उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। इसलिए मैं कहूँगा अपने मतदान का उपयोग कीजिए, और अगर चुनावों के दौरान आपको कोई भी अवैध गतिविधि, अनियमितता दिखती है तो हमें सूचित करें। दोस्तों, बात समझ में आई? विजिलेंट सतर्क बनकर
गुमनाम रहकर बिना किसी तरह के खतरे के आप सी विजिल ऐप की मदद से इलेक्शन से जुड़ी किसी भी अनुचित सिचुएशन की शिकायत कर सकते हैं और इस पर प्रभावी कार्यवाही 100 मिनट के अंदर की जाती है। इसके अलावा नो योर कैंडिडेट ऐप है जिसमें सभी कैंडिडेट के बारे में पूरा विवरण होता है। एक सजग मतदाता अपने प्रत्याशी के बारे में सभी जानकारी KYC पर दिए गए डिटेल्स जान सकता है और उसके आधार पर अपने वोट देने का निर्णय अपने विवेक से कर सकता है। इसलिए सतर्क हो जाइए, अपने मोबाइल पे सी विजिल ऐप डाउनलोड कीजिए, ईमानदारी से शिकायत दर्ज कराइए। दोस्तों आप तैयार हो जाइए आज के क्विज के लिए। बहुत सरल सा सवाल है, सही जवाब देने पर आप इनाम के हकदार बन सकते हैं। सवाल गौर से सुनिए और 9999031950 पर हमें अपने जवाब व्हाट्सएप कर दीजिए। विजेता का नाम मतदाता जंक्शन के अगले एपिसोड में अनाउंस किया जाएगा। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके दिए पते पर प्रेषित किया जाएगा। और आज का सवाल, सी विजिल ऐप किस काम आता है? सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं, सी विजिल ऐप किस काम आता है? पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है अजीत कुमार शर्मा, जिला गोलाघाट, असम, और सही जवाब है वर्ष 2011। आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मेरा नाम दीपा जोशी है, मैं उत्तराखंड से हूँ और फोक सिंगर हूँ। मैं मानती हूँ कि वोट देना हमारा फर्ज है, अपने देश के 18 वर्ष के नागरिकों को मताधिकार मिलता है। देश के सभी मतदाताओं के वोट को बराबर माना गया है। हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के नागरिक हैं, इसलिए हमें स्वतंत्र सोच के साथ मतदान देना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशक IT श्री अशोक कुमार, सी विजिल ऐप को डाउनलोड करें और उल्लंघन कर रहे व्यक्ति या घटना की ऑडियो वीडियो भेजकर 100 मिनट में इसका निवारण पाएं। जब नागरिक सतर्क रहेंगे तब आचार संहिता का पालन कराना भारत निर्वाचन आयोग के लिए आसान रहेगा। दोस्तों आज गणतंत्र दिवस की परेड में भारत निर्वाचन आयोग की झांकी का स्वागत लोगों ने बड़े ही हर्ष के साथ तालियां बजाकर किया। भारतीय लोकतंत्र जो प्रजातंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है, इस थीम को इस झांकी के जरिए आज जीवंतता के साथ परेड में दिखाया गया। भारत निर्वाचन आयोग की बहुत सी मोबाइल ऐप जैसे नो योर कैंडिडेट ऐप, सी विजिल ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप को बड़े सुंदर ढंग से झांकी में दिखाया गया। साथ ही ईज ऑफ वोटिंग को दर्शाता हुआ लाइव पोलिंग बूथ देखते ही बनता था, जो कि भारत निर्वाचन आयोग की समावेशी और सुगम चुनावी प्रक्रिया का सबसे बड़ा उदाहरण है और जिसमें दूर दराज की जनजाति और थर्ड जेंडर की भागीदारी की झलक देखते ही बनती थी। दोस्तों जहां एक ओर हम भारत हैं, हम भारत के मतदाता हैं, ये गीत लोगों का ध्यान खींच रहा था, तो वहीं दूसरी ओर EVM और VVPAT का लाइव डिस्प्ले देखकर लोग हर्ष के साथ इस तकनीक का स्वागत कर रहे थे। मतदाता जंक्शन से हम मतदान से जुड़े आपके मन में उठने वाले कई सवालों के जवाब लेकर आते हैं। अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। आप भी जरूर सुनिएगा मतदाता जंक्शन और गौर कीजिएगा हमारी बातों पर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन #, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन #, मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।